हेलो अगेन। हाय गाइस, सो लास्ट वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। तो फाइनल एक बार मैं आप लोगों से जानना चाहती थी कि आप लोगों का क्या है, आपके अकॉर्डिंगली क्या होगा। जैसे सारे लोग बोलते हैं प्रडिक्शन होती है, जस्ट प्रडिक्शन। तो सो लेट अस फिर से मैं ये क्लोथ्स लेके बैठ गई हूँ। तो दिस इज पिंक एंड दिस इज ब्लू। तो कॉमन होता है कि ब्लू फॉर बॉयज एंड पिंक फॉर गर्ल्स। So the और next cloth which is going to come up is going to decide whether we have a baby boy or a baby girl. हाँ So दूसरी हाथ ना पढ़ो, एक हाथ पढ़ो वाले हाथ में, मतलब वो वाले हाथ में। दिस इज अ वेरी यू नो बहुत कहते हैं टेंशन वाला टाइम होता है जब आपका बेबी आपके साथ नहीं होता, घर पे नहीं होता है, NICU में है। बट मुझे लगता है कि अगर हम लोग पॉजिटिव नहीं रहेंगे, हम लोग हैप्पी नहीं रहेंगे, तो बेबी कैसे हैप्पी रहेगा। सो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों से ओवरकम करके अपने बेबी को स्ट्रांग बना रहे हैं। बेबी इज़ ऑलरेडी स्ट्रांग। बेबी जो एक NICU में होता है ऑलरेडी फाइटर बेबी होता है। तो अगर हम लोग छोटी छोटी चीज़ें सेलिब्रेट नहीं करना स्टार्ट करेंगे तो नहीं वो अच्छा है। तो इसलिए हम लोग And guys, one just a humble request. Please don't ask for any photos or videos of baby. It is not allowed there. So and I think when time will be right, we'll definitely you will पक्का आपके be साथ शेयर करेंगे। हाँ, you, the baby will be there with you in photos, videos, live videos. Baby is very cute. Enough talking. Enough talking. Okay. The time has come to announce whether it's a baby boy or baby girl. The clothes is going to, the curtain is going to go down, and it is going to, the reality is Film going to me. come. The drums are rolling. And baby baby girl. girl. So we have a baby girl now. मतलब मैं रोना नहीं चाहती, but I'm so happy. भाई मैं तो बड़ा खुश हूँ क्योंकि मैंने प्रेडिक्ट किया था मैं कि बहुत बेबी खुश हूँ। मतलब मैं आपको बता दें, मैं मेरे माइंड में पहली बात ये आई, मैं दीपक को बार बार ये बोल रही हूँ कि दीपक पेरेंट्स अपनी बेटियों की शादी कैसे कर देते हैं यार, कैसे कर देते शादी हैं। का सोच रहे हैं नहीं 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 मतलब इतना प्रेशियस, मतलब एक बच्चा है लाइफ में आया है आपके में, और मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी पेरेंट्स के लिए अपनी बेटी को भेजना दूसरी जगह। शी इज सो प्रेटी। एंड जो लोग बोलते थे ना कि हाँ बेटी होगी और उसकी आईज आपके जैसी, तो आईज उसकी मेरे जैसी है, बिल्कुल बड़ी बड़ी आंखें हैं। लेकिन मैंने बोला था, सबने बोला था बेबी बॉय होगा। हाँ, दीपक पहले दिन से बोलते थे कि बेबी गर्ल होगी। हाँ, दीपक बोलते, और मेरे को बहुत लोग बेबी बॉय ही बोलते थे, बेबी गर्ल है बहुत। टच वुड, आई मीन मैं बता नहीं सकती कि क्या फीलिंग है ये, वी कांट एक्सप्रेस, है ना दीपक। जब हम लोग NICU में जाते हैं तो पेरेंट्स को अलाउड होता है सिर्फ जाना, तो फादर को सिर्फ एक बार जाना अलाउड होता है, मदर जितनी बड़ी मर्जी जा सकती है। तो दीपक जाते ऐसे मेरे जहाँ पे ग्लास लगा हुआ, दीपक वहाँ पे जाके ऐसे खुश होकर देखते, हाँ जाग रही है, जाग रही है। मतलब एक आप टाइम स्पेंड कर सकते हो उसके साथ, तो वो खुशी अलग ही है। या सो हमारी फैमिली में एक नया एडिशन हो गया है। तो मैं फॉर्म्स भरता हूँ, वहाँ पे फादर लिखता हूँ, मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है। आई एम सिंकिंग इन ऑल, अभी नया नया भी लगता है कि बहुत चीज़ें भूलते हैं, जैसे कुछ भेज रहे हैं दूध लेके गया और बॉटल भूल गया वहाँ पे। तो मैंने बोला सुनाया, मैंने कहा दीपक योर फादर ना हो तो याद रखनी चाहिए चीज़ें, तो इतने टाइम के साथ मुझे याद आएगी चीज़ें, थोड़ी अभी अभी नहीं याद आती। बट या सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो चलो आपको मिलती हूँ फिर, बाय।